subscribe my YouTube channel and press the bell icon. So friends, we start with the first problem. Problem is seen on your screen. इस प्रॉब्लम में बी नॉट मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है एंड बी एन इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन वेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर थ्री. बी वन प्लस बी थ्री प्लस बी फाइव प्लस बी सेवन प्लस बी नाइन की वैल्यू आपको बतानी है. तो देखिए, जैसे इसमें कंडीशन दी हुई है बी एन इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ बी एन माइनस वन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, राइट. तो देखिए, जैसे इसमें एन की वैल्यू आप कितनी पुट करें, वन, तो बी वन की वैल्यू बनेगी एडजॉइंट ऑफ बी नॉट, राइट. तो एडजॉइंट ऑफ बी नॉट फाइंड कर लेते हैं पहले अपन. तो एडजॉइंट ऑफ बी नॉट कितना हुआ, देखिए बी नॉट मैट्रिक्स आपको क्या दिया हुआ है, लिख देते हैं इसको फटाफट से. बी नॉट मैट्रिक्स दिया हुआ है माइनस फोर माइनस थ्री माइनस थ्री वन ज़ीरो वन फोर फोर थ्री, राइट. तो एडजॉइंट फाइंड करना आप जानते होंगे. एडजॉइंट के लिए क्या करेंगे हम, एलिमेंट्स के कोफैक्टर से बनी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, राइट. तो फटाफट से एडजॉइंट फाइंड कर लेते हैं इसका. माइनस फोर के लिए कोफैक्टर कितना आएगा, जीरो माइनस फोर माइनस फोर, राइट. माइनस थ्री का कोफैक्टर कितना आएगा, थ्री माइनस फोर माइनस वन, इसके लिए माइनस साइन होता है तो कितना हो जाएगा प्लस वन. इस माइनस थ्री का कोफैक्टर कितना आएगा, फोर माइनस जीरो फोर. इस वन का कोफैक्टर कितना आएगा, माइनस नाइन प्लस ट्वेल्व थ्री, लेकिन माइनस साइन होता है तो माइनस थ्री. जीरो का कोफैक्टर कितना आएगा, माइनस ट्वेल्व प्लस ट्वेल्व जीरो. वन का कोफैक्टर कितना आएगा, माइनस सिक्सटीन प्लस ट्वेल्व माइनस फोर, लेकिन माइनस साइन होता है तो प्लस फोर, राइट. इस फोर का कोफैक्टर कितना आएगा, माइनस थ्री. इस फोर का कोफैक्टर कितना आएगा, इस फोर का कोफैक्टर आएगा माइनस फोर प्लस थ्री माइनस वन, लेकिन इसके लिए प्लस वन हो जाएगा. थ्री का कोफैक्टर कितना आएगा, जीरो माइनस प्लस थ्री, राइट. इसका आप ट्रांसपोज लेंगे तो बनेगा माइनस फोर वन फोर माइनस थ्री जीरो फोर माइनस थ्री वन थ्री, राइट. तो ये एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ठीक है ना. ये किसका एडजॉइंट मैट्रिक्स है, ये बी नॉट था तो ये है एडजॉइंट ऑफ बी नॉट, राइट. अगर इसको देखें तो ये वापस से इसी मैट्रिक्स के जैसा है, मीन्स दिस इज इक्वल टू बी नॉट. तो बी नॉट का जो एडजॉइंट है वो बी नॉट के ही इक्वल है, ठीक है. तो बी वन की वैल्यू किसके इक्वल थी, एडजॉइंट ऑफ बी नॉट के. एडजॉइंट ऑफ बी नॉट कितना आया, बी नॉट. तो बी वन किसके इक्वल हो गया यहाँ से, बी नॉट के, राइट. अब ऐसे ही अगर मान लीजिए बी टू को फाइंड करें तो एन की वैल्यू टू पुट कीजिए इसमें, तो बी टू बनेगा एडजॉइंट ऑफ बी वन, राइट. एंड बी वन इज इक्वल टू बी नॉट, तो ये बन गया एडजॉइंट ऑफ बी नॉट. अगेन एडजॉइंट ऑफ बी नॉट, एडजॉइंट ऑफ बी नॉट इज इक्वल टू बी नॉट. तो आप इसमें देख सकते हैं बी वन की वैल्यू बी नॉट आई, बी टू की वैल्यू क्या आई, बी नॉट. ऐसे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो बी थ्री की वैल्यू क्या आएगी, बी नॉट आएगी. बी फोर की वैल्यू क्या आएगी, बी नॉट. तो ये सारी मैट्रिसेस जो है वो बी नॉट के इक्वल आएगी. तो आपसे इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो क्या है, देखिए आपसे पूछा गया है बी वन प्लस बी थ्री प्लस बी फाइव प्लस बी सेवन प्लस बी नाइन, तो इन सबकी वैल्यू बी नॉट के इक्वल होगी. तो बी नॉट प्लस बी नॉट प्लस बी नॉट प्लस बी नॉट प्लस बी नॉट कितना हो जाएगा, फाइव बी नॉट. सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम, राइट. अब इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं. नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए एक इंटीग्रेशन दिया हुआ है ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब. तो आपको ए की वैल्यू का कंपेयर करना है पाई बाई 4 पाई बाई 6 के साथ, राइट. तो कंपैरिजन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये जो इंटरवल है, सिंस x बिलोंग्स टू 0 टू 1, तो 0 टू 1 इंटरवल में अगर बात करें तो एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब इनमें से कौन सी वैल्यू ज़्यादा होगी, एक्स स्क्वायर, राइट. सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस विल बी ग्रेटर दैन 1 प्लस एक्स क्यूब. इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो रेसिप्रोकल लेने पर क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब. अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 0 टू 1 में, तो 0 टू 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिस विल बी लेस देन इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 1 अपॉन 1 प्लस एक्स क्यूब डी एक्स लेस देन दिस इज a. और इसका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत ही ईजी है, tan इनवर्स x होगा. इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिमिट लगाएंगे तो a ग्रेटर देन अपर लिमिट tan इनवर्स 1 कितना हो जाएगा, पाई बाय 4. लोअर लिमिट के लिए क्या बनेगा, 0. तो a ग्रेटर देन पाई बाय 4, तो a ग्रेटर देन पाई बाय 4 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आपको, फर्स्ट ऑप्शन में. सो a विल बी द करेक्ट आंसर, राइट. अब नेक्स्ट हम चलते हैं अगली प्रॉब्लम पर. तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको कहा गया है टू डिस्टिंक्ट नंबर्स ए एंड बी आर सेलेक्टेड फ्रॉम द सेट. दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है ए एंड बी, दीज आर सेलेक्टेड फ्रॉम दिस सेट 5 पावर 1 5 पावर 2 5 पावर 3 एंड 5 पावर 9, राइट. द
then the probability that log base AB must be an integer, ये एक integer होना चाहिए, ठीक है ना, इसकी probability आपको find करनी है। तो ये कैसे find करेंगे, देखिए A जो है वो भी 5 की power type का number है, B भी 5 की power type का number है, तो let A equals to 5 power X, B equals to 5 power Y, where X and Y both are, x और y की वैल्यू क्या होगी, x और y क्या शो कर रहे हैं पे पावर्स, तो 1, 2, 3 up to 9, तो x और y की वैल्यू 1 to 9 नंबर्स में से होगी, ठीक है ना। अच्छा इस केस में क्या होगा फिर, log बेस a b इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखिए log a की वैल्यू 5 पावर x, इसकी वैल्यू 5 पावर y, तो ये बनेगा y अपॉन x log बेस 5 5, इसकी वैल्यू 1 होती है तो y अपॉन x बन गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई y अपॉन x, इसको आपको क्या बनाना है इंटीजर, मस्ट बी एन इंटीजर। अब देखिए इसको इंटीजर बनाने के केस क्या होंगे, देखो x और y दोनों को इस सेट से लेना है, अगर मान लीजिए x की वैल्यू क्या लें अपन 1 लें, तो y की वैल्यू आप चाहे कुछ भी ले, डिफरेंट है a और b डिफरेंट है, ध्यान देना, तो x को जब मैं 1 लूँगा तो y की वैल्यू आप 2 से 9 तक कुछ भी लें, y अपॉन x क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा 2, 3 up to 9, है ना। ये कितने केस हो गए, 8 केसेस, राइट। अगर x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y क्या होना चाहिए, इवन नंबर है ना, और 2 से डिफरेंट होना चाहिए, तो y की वैल्यू 4, 6, 8 पॉसिबल है, इसमें कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। अगर x की वैल्यू 3 ली जाए तो फिर y की वैल्यू क्या होगी, देखो 6 and 9, इसमें कितने केस बने, 2। अगर x की वैल्यू कितनी लें 4, तो y की वैल्यू केवल 8 पॉसिबल है, ये 1 केस होगा। अगर x की वैल्यू कितनी लें 5, तो फिर 5 के अलावा और कोई डिफरेंट नंबर इसमें नहीं होगा जिसको 5 डिवाइड करे, तो और कोई केस इसमें आगे नहीं बनेगा, तो इतने ही केस बनेंगे। तो टोटल कितने केस हुए, 14 केस, राइट। तो 14 केस ऐसे होंगे जब लॉग बेस ए बाई बी की वैल्यू क्या होगी, इंटीजर होगी। अब आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो प्रोबेबिलिटी के लिए देखो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, फेवरेबल केस कितने हैं 14, और टोटल केस कितने होंगे, टोटल केस के लिए देखो कितने नंबर्स थे 9 में से कोई भी दो नंबर आप सेलेक्ट कर सकते हैं 9C2 टाइप से, तो 14 upon 9, C2 की वैल्यू कितनी होती है 36, तो 7 upon 18, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 7 upon 18, विच इज गिवन इन ऑप्शन ए, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।